इटली के 90 साल के कोरोना वायरस के पेशेंट जब ये ठीक हुए और अपने घर जा रहे थे तो हॉस्पिटल के स्टाफ ने उनसे आके कहा कि डिस्चार्ज के टाइम पे आपको सिर्फ एक दिन का वेंटिलेटर जो आपने यूज़ किया है उसके पैसे चुकाने होंगे। ये आदमी ये सुनते ही रो पड़ा। सीनियर डॉक्टर पास आए, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है आप बिल्कुल चिंता ना करें। हॉस्पिटल स्टाफ से कहा कि इन्हें बिल्कुल भी टेंशन ना दें, इन पर प्रेशर ना डालें। उस आदमी ने तुरंत ही कहा कि नहीं, मैं इसके पैसे दे सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे तो हैं। लेकिन जब मैंने जाना कि हॉस्पिटल में एक दिन वेंटिलेटर यूज़ करने के 5,000 पाउंड होते हैं तो मैं सोचने लग गया कि 90 साल जीवन के जिया हूँ, उस ऊपर वाले ने फ्री के वेंटिलेटर पर रखा था, जाने उसे कितना चुकाना बाकी है। 90 साल जिया उस फ्री वेंटिलेटर पर, आज दिन तक उसे कभी थैंक यू नहीं कहा। डॉक्टर की आंखें भी भर आई, अर्थात ऊपर वाले ने जो पल दिए, जो जीवन दिया है, अगर आपके घर में एक भी इंसान दिया है जिसे आप हग कर सकते हैं, प्यार इसका इजहार करें, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। आपकी अर्चना के साथ है। और देखें ना कैसा जीवन है, पहले घर में रहते थे, फिर बंगला किया, फिर फार्म हाउस, और अब घर की चार दीवारी में इधर से उधर घूमते हैं। पहले साइकिल थी, उसके बाद बाइक आई, और उसके बाद गाड़ी और गाड़ियाँ, और अब देखें 11 नंबर की बस से एक से दूसरे रूम घूमते हैं। क्या करना है इतना लोड लेके, यही सिखाता है ये पल। और इस पल ने जो सिखाया वो ये भी कि अपने तो अपने होते हैं, घर के 4 या 6 सदस्य, और दूसरी बात कि पहलो सगो ते पड़ोसी, गुजराती में कहते हैं पहलो सगो ते पड़ोसी, यानी सबसे पहले रिश्तेदार जो है वो हमारा पड़ोसी होता है। एक साइकोलॉजिस्ट ने बात कही कि अब बच्चे की तरह नींद आती है, इतनी मस्त नींद, मेरे बाल जो झड़ते थे वो बंद हो चुके हैं। एक कंपनी के मैनेजर ने कहा कि पहले मैं बहुत कटाक्ष किया करता था, सरकाज्म से भरा रहता था, लेकिन अब अपने लोगों को अच्छे समझने लगा हूँ। एक कॉरपोरेट के HR ने कहा कि सुबह उठते ही अपनी खिड़की पे कितने कबूतर बैठे हुए ये देखता हूँ, उन्हें गिनता हूँ रोज़ाना। एक जनरल मैनेजर जब फ़ोन उठाते तो कहते हेलो जनरल मैनेजर सो एंड सो स्पीकिंग, अब लॉकडाउन में उनकी स्क्रिप्ट बदल चुकी है, अब वो सिर्फ हेलो कहते हैं, शायद अपना डेजिग्नेशन भूल गए। हवाएं मौसम का रुख बदल सकती हैं और दुआएं मुश्किलों के पल बदल सकते हैं, तो दुआ कीजिए, घर पर रहें।